स्वागत है आपका डिवाइन बेबी सॉल में। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कि अधिक आसु मास में सुद पक्ष में आने वाली पद्मिनी अथवा कमला एकादशी के व्रत से होने वाले प्रभाव, विधि और इस व्रत से कैसे कर सकते हैं आप संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति, उसके सचोट उपाय। तो चलो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णम शरणम मम। आसु सुद पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी और कमला एकादशी कहा जाता है, जो माता श्री लक्ष्मी जी का एक नाम है, जिसके अनुसंधान इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण देव की पूजा अर्चना करी जाती है, जिससे श्री कृष्ण की अनुपम कृपा प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है, धन रहे न जो बन रहे, रहे न गाँव न ठाव, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। मतलब एक दिन अपने हाथ से सब कुछ चला जाता है। जब हम ये दुनिया छोड़ के जाते हैं तो अपना घर, अपनी युवानी, अपने संतान, अपनी पत्नी, अपना गांव, अपना काम, सब कुछ चला जाता है। परंतु अगर मृत्यु के बाद कोई चीज जो हमारे साथ आती है तो वो है अपने सारे कर्म। अगर हमने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया है, दूसरों के दुख को दूर किया है, दूसरों की मदद की है, दूसरों का भला किया है, इत्यादि हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो वो अच्छे कर्म ही हमारे साथ आते हैं। इसलिए ही अगर कोई दंपति चाहते हैं कि उसका संतान सबके दुख को दूर करे, वैसा हो, सबकी मदद कर सके, सबका भला कर सके, ऐसा सर्वगुण संपन्न हो, तो उसके लिए ये अधिक मास की ये एकादशी बहुत ही पुण्यशाली साबित होने वाली है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही धर्मराज युधिष्ठिर को कहा है कि अगर कोई मनुष्य नीति नियम पालन करके ये एकादशी व्रत संतान प्राप्ति हेतु करता है तो उसे अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। इसके साथ ही अगर कोई एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है तो उसकी सारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए अधिक मास की ये पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिसमें जो संतान इच्छुक और पुत्र प्राप्ति इच्छुक माता पिता है, उसे सुबह जल्दी उठ के सूर्य नारायण देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। सूर्य देव को पानी चढ़ाना चाहिए। पानी में अक्षत, गुलाब और कुमकुम डाल के चढ़ाना चाहिए, जिसे सूर्य नारायण की कृपा अवश्य उतरेगी और सूर्य के जैसा तेज और ओज अपने संतान में भी आए, ऐसी प्रार्थना सूर्य देव को अवश्य ही करनी चाहिए। उसके बाद श्री विष्णु की यानी कि श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि अगर सूर्य नारायण देव और साथ में ही श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना एक साथ की जाए तो उसकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान उस इंसान की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। एकादशी के दिन संतान इच्छुक और पुत्र प्राप्ति इच्छुक माता और दंपति को पूरा दिन उपवास करना चाहिए, हो सके तो फलाहार करना चाहिए और पूरे दिन पानी पी के भी आप ये व्रत कर सकते हैं, जिसका विशेष महत्व है। सुबह विष्णु की और कान्हा की पूजा करते समय उसे स्नान कराना चाहिए और उसे पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए और खुद भी पीले वस्त्र धारण करे तो उसका भी विशेष महत्व है। पूजा अर्चना पाठ स्नान भोग इत्यादि करने के बाद आपको जैसा पुत्र चाहिए, जैसा संतान चाहिए, जैसा गुणों वाला संतान चाहिए, उसका पूरा वर्णन भगवान के सामने सच्चे मन से करना चाहिए। प्रार्थना अगर सच्चे मन से की जाए तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनते हैं। पूरे दिन आपको जैसा संतान चाहिए वैसे कल्पना करके ही बिताना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की भी निंदा कुथली ना करे, अपना मन शांत रखे, क्रोध ईर्ष्या द्वेष से आप जरूर दूर रहे।
पूरा दिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति करके ही पूरा करें, भगवान की आराधना करें और यहाँ पे दी गई कथा का पठन अवश्य ही करें, जिससे आपको इच्छित संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो चलो सुनते हैं पुत्र प्राप्ति एवं संतान प्राप्ति के लिए पद्मिनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी और कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब उनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है जो पद्मिनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है, ऐसा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है। भगवान युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्य को देने वाली इस एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए अति दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करे तथा नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और जल के बार कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवल के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करे। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेयई नाम एक राजा के वंश में कृत वीर्य नाम का राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रिया थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब निष्फल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कर्तव्यनिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। ऐसा पुत्र उसे प्राप्त हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने वाला सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। ऐसा पुत्र उसे प्राप्त हुआ तो इसीलिए अगर कोई दंपति इस एकादशी का व्रत विधिपूर्ण आस्था से करता है तो उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति होगी, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागीदार होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो आप भी इस एकादशी का व्रत पूरी आस्था और निष्ठा से करें।
तो यहाँ पे ये कथा पूर्ण होती है। धन्यवाद।